नमस्कार, फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं। पेश है आज एक नया मुकदमा। जाहिर है दिल्ली में जिस तरह से कानूनी और राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं, उसको देखकर यह मुकदमा और क्या हो सकता है और कहां से हो सकता है। स्वाभाविक तौर पर यह मुकदमा अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ईडी का मुकदमा लीकर स्कैम से संबंधित है। लेकिन हाँ, हम उन विषयों पर बातें नहीं करेंगे जो आप लगातार मीडिया की सुर्खियों में देख रहे हैं, जो अखबारों में पढ़ रहे हैं। हमारा जो आज का सवाल है कि क्या दिल्ली राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में क्या चुनी हुई सरकार आपकी दिल्ली में बर्खास्त करके राष्ट्रपति के द्वारा दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। आइए समझते हैं हम इस एपिसोड के जरिए संवैधानिक प्रावधानों को। जैसा कि आपको विदित है, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी लिकर स्कैम में अरेस्ट कर लिए गए। उनको उन्होंने खुद ही सुप्रीम कोर्ट में अपना मुकदमा वापस ले लिया। निचली अदालत से उनको कोई राहत नहीं मिली है। फिलहाल वह 7-10 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं, ईडी के रिमांड पर हैं। इसके बाद निश्चित तौर पे जो कानूनी प्रक्रिया है, ईडी उनको दोबारा पेश करेगी और रिमांड को बढ़ाए जाने की बात करेगी। रिमांड एक्सटेंड होगा या एक्सटेंड नहीं होगा यह कोर्ट निश्चित करेगा। स्वाभाविक तौर पर से ईडी की तरफ से जो वकील पेश होंगे वह रिमांड की मांग कर सकते हैं, यह कहते हुए कि केजरीवाल जी ने इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट नहीं किया है। इनसे अभी और सवाल और जवाब होने बाकी हैं, सबूत इकट्ठा किए जाने बाकी हैं। केजरीवाल जी के वकील इसका विरोध करेंगे और जो भी सफल होगा, अगर ईडी सफल होगी तो रिमांड बढ़ जाएगा क्योंकि कानून में इसका प्रावधान है। और अगर कोर्ट को ऐसा लगा कि ईडी ज्यादती कर रही है तो ऐसी हालत में इसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। अब जो यह केस है वो अपने आप में अभूतपूर्व है, बिकॉज केजरीवाल जी देश के ऐसे मुख्यमंत्रियों में शुमार हो गए हैं जो ऑफिस में रहते हुए, बतौर सीएम रहते हुए अरेस्ट हुए हैं। 1 महीने पहले आपने हेमंत सोरेन जी को भी अरेस्ट होते देखा, लालू जी को भी अरेस्ट होते आपने देखा है, जे जयललिता को न सिर्फ अरेस्ट होते बल्कि कन्विक्ट होते भी आपने देखा है। परिस्थितियां थोड़ी भिन्न है दिल्ली की। एक तो दो, दिल्ली का पावर स्ट्रक्चर है वह भी भिन्न है। दिल्ली न स्टेट है न यूनियन टेरेटरी। यहाँ पर यूनियन टेरेटरी का भी कैरेक्टर मौजूद है, सेंटर के अपने नुमाइंदे लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ मौजूद हैं और जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि यहाँ मुख्यमंत्री के तौर पर शासन चलाता है। तो इस तरह से दिल्ली का जो पावर स्ट्रक्चर है वो यूनिक है। इस दूसरी केस में जो और अलग बात है हेमंत सोरेन, जय जयललिता या लालू यादव से, वह यह है कि इन लोगों ने अरेस्ट होते ही तत्काल प्रभाव से अपना पद छोड़ दिया और किसी और व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। अब जहां तक संविधान का सवाल है तो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 कहीं से यह नहीं कहता है कि अगर एक मुख्यमंत्री अरेस्ट हो गया तो उसको उसके पद से हटा दिया जाए या उसकी स्वेच्छा है वो रिजाइन कर दे, जैसा लालू जी ने किया, जयललिता ने किया और हेमंत सोरेन ने किया। लेकिन कानून में कहीं कोई इस पे बाध्य नहीं है मुख्यमंत्री कि वह रिजाइन करे। और जब पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 का ही हम और हवाला लेते हैं तो आप गिरफ्तार होने के बाद मुख्यमंत्री को हटा भी नहीं सकते। वह स्वेच्छा से रिजाइन भी नहीं कर रहा और आप उसको हटा भी नहीं रहे, हटा ही नहीं सकते, तब तक नहीं हटा सकते जब तक कि उसका कन्विक्शन ना हो जाए, जब तक कि उसका अपराध प्रमाणित ना हो जाए। और यह प्रक्रिया और संविधान में कहीं किसी भी तरह का कोई प्रोटेक्शन भी नहीं है। अगर प्रोटेक्शन किसी के लिए है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 361 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रोटेक्ट करता है, तो वो प्रेसिडेंट और गवर्नर को प्रोटेक्ट करता है।
उनके खिलाफ अपने पद पर रहते हुए अपने ऑफिस के दरमियान किए गए कार्यों के लिए किसी भी तरह का सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाया जा सकता। बाकी के लिए हम इक्विलिटी बिफोर लॉ के कानून पे आ जाते हैं, जहां संविधान कहता है कानून की नज़र में सब बराबर हैं। तो अगर सब बराबर हैं तो सीएम भी बराबर हैं, पीएम भी बराबर हैं। मैं आपको बता दूं कि पीएम भी अपने पद पर रहते हुए अरेस्ट किए जा सकते हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा चलाया जा सकता है। यह प्रोटेक्शन सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय और माननीय गवर्नर, राज्यपाल के लिए उपलब्ध है। तो जैसा कि यहाँ पे आप सीन बनता हुआ देख रहे हैं कि पीछे की घटनाओं में मुख्यमंत्री ने स्वयं इस्तीफा दे दिया, ठीक है, कन्विक्शन के बाद जयललिता हटाई गई, ठीक है। अब यहाँ पे ना तो केजरीवाल साहब कन्विक्ट हुए हैं और ना ही आप उनको हटा सकते हैं। अब जो मसला फंस रहा है, जो पेच फंस रहा है, कि वो और उनकी पार्टी कह रही है कि हम तो जेल से शासन चलाएं, हम तो रिजाइन नहीं करने वाले। तो क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? बिल्कुल देता है। आप उनको हटा सकते नहीं, वो जेल से शासन चला सकते थ्योरेटिकली। अब इसमें जो संवैधानिक विशेषज्ञ हैं या जो राजनीतिक लोग हैं या जो मनोज तिवारी जैसे भाजपा के मुखर नेता हैं, वह यह कहते हुए नजर आते हैं कि अब तक तो कोई ऐसा दृष्टांत नहीं है, हमने जेल से गुंडा माफिया इत्यादि को तो शासन चलाते देखा है, वो वहाँ से अपना गैंग चलाते हैं, लेकिन दिल्ली और दिल्ली के मुख्यमंत्री कोई गुंडा माफिया थोड़ी है कि, और ये कोई दिल्ली सरकार कोई गैंग थोड़ी है कि वो जेल में बंद होकर अपने गैंग का संचालन वहाँ से करेंगे। तो खैर ये तो राजनीतिक बातें हैं, लेकिन थ्योरेटिकली संवैधानिक तौर पर केजरीवाल जी ठीक हैं, सही हैं, वो ऐसा कर सकते। अब सवाल उठ रहा है कि लॉजिस्टिक, कि भैया मुख्यमंत्री को सिर्फ फाइल तो साइन करनी नहीं है, उसको मंत्रिमंडल की मीटिंग करनी है, उसको मीटिंग में शामिल होना है, उसको चीफ सेक्रेटरी को तलब करना है, उसको बाकी सेक्रेटरियों से बात करना है, तो ये सब चीज़ें, उसको जनता से मिलना है, पॉलिसी डिसीजंस लेने हैं, उसको सभा वगैरह में भाग लेना है, फीता काटना है, तो ये सब कैसे होगा जेल से? अब इसका सवाल तो कोर्ट दे। जहाँ तक मेरी जानकारी है इसका प्रावधान हो सकता है, मौजूद है। जेल का मतलब कोई तिहाड़ ही नहीं होता है, कोई एक ऐसा आवास या उन्हीं के आवास को टेम्पररी जेल डिक्लेयर किया जा सकता है, वहाँ उनको रखा जा सकता है और वहाँ से वो शासन चला सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें कोर्ट पर निर्भर करती हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तब क्या होगा? सवाल इस बात का है, मैं उसका जवाब दूंगा। इसीलिए मैंने पहले ही पूछा कि क्या दिल्ली राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रही है, तो मेरा जवाब है कि इस जिद में अगर केजरीवाल जी रिजाइन नहीं देते और लॉजिस्टिक का जो हवाला दिया जा रहा है और उनको कोई और ट्रांसफर तिहाड़ से न करके और उनको कोर्ट से किसी तरह की राहत भी नहीं मिलती, उनको जमानत मिल जाए फिर ठीक है, सब कुछ सामान्य हो जाएगा, तो न टेम्पररी जेल की व्यवस्था होती है न ही उनको कोर्ट से किसी भी तरह की रिलीफ मिलती है, तो ऐसी हालत में केजरीवाल जी के साथ के सामने विकल्प क्या है? देखिए यह कानूनी के साथ साथ राजनीतिक लड़ाई है। तो जहां तक मेरी समझ कहती है कि केजरीवाल जी की यह जिद राजनीतिक भाड़ी भूल है, केजरीवाल जी का जो अरेस्ट हुआ है वह भी लीगल ब्लंडर है, इनको जिस किसी ने भी सलाह दी हाईकोर्ट जाने की वह गलत सलाह हुई, उस पर मैं चर्चा करूंगा अगले एपिसोड में कि इनके साथ सामने विकल्प क्या था। कोर्ट इस वक्त बिल्कुल ईडी के खिलाफ चल रही है, कोर्ट के जो 10-5 इधर जजमेंट आए हैं सुप्रीम कोर्ट के वो ईडी के खिलाफ है, ईडी को लगातार झाड़ पड़ रही है। और अगर मैं पूरे मुकदमों का अध्ययन करूं और उसका डाटा रखूं तो पॉलिटिकल मसलों को अगर आप छोड़ दीजिए तो ईडी को जमानत के सवाल पर हार ही मिली है, लोगों को बिल मिल रहे हैं पीएमएलए में, यह जो ये ठीक है कि पीएमएलए में बिल का प्रावधान स्ट्रिंजेंट है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, डाटा कुछ और कहते हैं, उस पर हम करेंगे बात अगली एपिसोड में। तो जहां तक केजरीवाल जी जब यह जिद करते हैं कि वह रिजाइन नहीं करेंगे तो यह उनका कानूनी ग्राउंड नहीं है या उनका
पॉलिटिकल ग्राउंड है, ये कोई कानूनी स्टैंड नहीं है। इससे केस के ट्रायल पर या उनके जमानत के ऑप्शंस पे या उनके जमानत की संभावना पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोर्ट कानून की नजर में उनके जमानत के एप्लीकेशन को देखने जा रही है, ट्रायल को देखने जा रही है सबूतों के आधार पर। जब केजरीवाल जी या उनकी पार्टी यह कहते हैं कि वो रिजाइन नहीं करेंगे तो यह राजनीतिक है, तो इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी समझना जरूरी है। यहाँ पर चलते चलते मेरी समझ से यह राजनीतिक भूल है, इससे कुछ नहीं बनेगा बिगड़ेगा। वो समझ रहे हैं कि जनता की सहानुभूति मिलेगी, नहीं मिलनी। हाँ, ये काम अगर वो करना ही चाहते हैं, अगर वो भाजपा से फ्रंट फुट पे बढ़ना ही चाहते हैं और भाजपा को बैक फुट पे लाना चाहते हैं तो एक काम हो सकता है, वो लोकसभा का पर्चा भर दे और स्वयं ही ना भरे, संजय सिंह को भी भराए, पीछे की गली से उनको ले गए फिर वापस राज्यसभा बना दिया। एक तरफ आप कहते हैं कि मैं भाजपा से लड़ रहा हूँ, मैं भाजपा से लड़ूंगा, मैं प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी हूँ इस देश का, और जब सुविधा और कंफर्ट की बात आती है तो आप पीछे का दरवाजा ले लेते हैं। तो लड़ाई ऐसे नहीं होती केजरीवाल जी, अगर हिम्मत है तो लोकसभा का पर्चा भरिए, संजय सिंह से भरवाइए, मनीष सिसोदिया से भरवाइए, सत्येंद्र जैन से भरवाइए और कीजिए मुकाबला बीजेपी का जनता की अदालत में सीधे तौर पर, फिजा बदल जाएगी, बीजेपी हो सकता है बैकफुट पे आ जाए और यह भी पता चल जाएगा जनता आपके साथ है या नहीं है। तो दूध का दूध और पानी का पानी कानूनी मसलों में, और उस हालत में बेल भी शायद एक जबरदस्त ग्राउंड तैयार हो जाए बेल का, वरना आप तो पर्चा भरने के लिए और प्रचार करने के लिए तो पैरोल पे बाहर आ ही सकते, मनीष सिसोदिया जी भी आ सकते हैं। आपने देखा है कि बिहार के पॉलिटिशियन अनंत सिंह जैसे बाहुबली इस तौर तरीकों का, या बहुत सारे अपराधी नेता, क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले नेता, इस रूट का, कानून के इस रूट का इस्तेमाल कर बाहर आते रहे हैं, चुनाव लड़ते रहे हैं और चुनाव जीत जाने के बाद बड़े शानो शौकत से वो विधानसभा या लोकसभा की कार्रवाई में फिर पैरोल पर या फिर जमानत पर बाहर आकर के पार्टिसिपेट भी करते हैं और यह संदेश भी देते हैं कि देखिए कोर्ट से मैं बड़ी नहीं हुआ लेकिन जनता की अदालत में मैं बड़ी हो गया। खैर, ये अलग मसला है। हम आते हैं अपने मूल विषय पर कि क्या दिल्ली राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ रही है। अगर केजरीवाल जी रिजाइन नहीं करते हैं तो एलजी साहब इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बताएंगे, संवैधानिक संकट बताएंगे, फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैसेजरी बताएंगे, और इस हालात में वो राष्ट्रपति के पास दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रस्ताव भेज सकते हैं। फैसला राष्ट्रपति के हाथ में होगा, लेकिन हाँ, संवैधानिक तौर पर दिल्ली राष्ट्रपति शासन की तरफ फिलहाल बढ़ती हुई नजर आती है। और अगर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग गया तो यह जो दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल बचा हुआ काल, कार्यकाल है फरवरी 2025, तब तक लागू रह सकता है और दिल्ली को राष्ट्रपति जी अपने पावर के तहत डायरेक्ट चलाती हुई, शासन व्यवस्था को अपने हाथ में लेती हुई नजर आ सकती हैं। इस विषय पर जो भी और अपडेट होगा मैं उससे आपको लगातार अवगत कराता रहूंगा। अब मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए, आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड में एक ऐसे ही विषय के साथ। अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबा लें और अपने कमेंट और सुझाव के माध्यम से मुझ तक अपनी बात भी पहुँचाएँ। जय हिंद, जय भारत।